ये नया शॉप खुला ना कल, ये पैसा गिन रहे हैं। हम जहाँ पे आए हैं वो कुवैत का सबसे सस्ता मार्केट है, यहाँ पे देखो कितनी भीड़ रहती है, कितनी पब्लिक है यहाँ पे, लूट रहे हैं लोग। ये सब 3 गेड़ी 4 गेड़ी बोलो तो ये इंडिया में 500 रुपए मिल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों, माय नेम इज मोहम्मद सूस का, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स एमएफ के। दोस्तों अभी हम यहाँ पे हैं पार्किंग में, आप देख सकते हैं, और हम आए हैं कुवैत सिटी। आज आपको हम कुवैत सिटी दिखाएंगे, और हम थोड़ा मार्केट करने आए हैं अपने अलीमुद्दीन भाई के साथ में। अलीमुद्दीन भाई अभी नीचे हैं, अभी हम जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा आज कुवैत सिटी का मार्केट, और हम थोड़ा शॉपिंग करेंगे और कंपेयर करेंगे कुवैत को इंडिया से, कि कुवैत में ज़्यादा सामान महंगा है या इंडिया में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मार्केट में, आपको दिखाते हैं यहाँ के शॉप कैसे होते हैं, मॉल्स वगैरह कैसे होते हैं। तो व्लॉग में बने रहिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इट्स ऑफ के 0 इंस्टाग्राम के ID जाइए, वहाँ पे फॉलो कीजिए और बने रहिए व्लॉग में। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अभी हम लोग मालिया में आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं हम यहाँ का मॉल वगैरह कैसा रहता है कुवैत का। आइए मेरे साथ देखिए, और हमारे अलीमुद्दीन पीछे पीछे। चलिए किधर चलना है, इसमें से हाँ हाँ लोवर बड़ा बढ़िया है यार, लेकिन सारा मोटा है, पीटोगा तुम्हारा कितना दिख रहा है इसमें यार, अंदर करो, कभी कभी बढ़ जाता है ना। देखो लोवर, वो लेडीज है, लेडीज बन जाओ जाने का। इधर सही नहीं है, दूसरी जगह चलते हैं। चलो, लेकिन बढ़िया बढ़िया छोटे बच्चों के लिए जाता है यहाँ पे। दोस्तों हमें जमा नहीं उस शॉप में, और जमेगा नहीं, और अभी हम दूसरी जगह चलते हैं, दूसरी शॉप में चलते हैं। और अभी कहाँ पे जाना है हमें अलीमुद्दीन भाई? मामीर। तो अभी हम मामीर में जाएंगे, वहाँ पे साथ में लेके जाएंगे। तो वहाँ पे चलते देखते हैं वहाँ पे हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। ओके चलिए, वहीं पे चलेंगे हम डायरेक्ट। और आप लोग देखो, फ्राइडे गर्दी, इसमें देखते हैं फ्राइडे को गर्दी नहीं एकदम कोई सिटी में, अच्छी बात है। कोरोना वायरस की वजह से सब लोग डर रहे हैं, घर पे ही रह रहे हैं। इसमें चले क्या? सब ये इसमें चलते। ये नया शॉप खुला है ना, पूछो उससे ट्रैक सूट इधर जो खड़ा रहता है, कौन है वो? दोस्तों अपने को ये पसंद आया, ले देख सकते हैं, और हमारे अलीमुद्दीन भाई को भी ये पसंद आया, बट इसका प्राइस क्या है आप लोग देख सकते हैं कितना है, 600 मतलब इंडियन रुपीस कितना हो गया। यहाँ पे है शूज, मस्त मस्त शूज है यार, एक नंबर का, लेकिन सेल प्राइस भी एक नंबर का है। ये सब 3 गेड़ी 4 गेड़ी बोलो तो ये इंडिया में 500 रुपये मिल जाएगा, और यहाँ पे 1000 रुपये तक का मिलेगा इंडियन रुपीज। भाई साहब का हाफ चार यार, ये शॉप बस पिलपिली लोग के लिए है, बहुत महंगा महंगा है साला, इधर महंगा है, बहुत ज़्यादा महंगा। अभी हमारा साला सैलरी हुआ ही नहीं, इतना महंगा कहाँ से लेंगे। हाँ ट्रैक सूट ऐसा चाहिए हमको, ऐसा ऐसा ट्रैक सूट चाहिए, मिल ही नहीं रहा है क्या यार, कुछ ऐसा सोचो जो मिल जाए, जो 3-4 शॉप में हम लोग ट्राई कर चुके, मिल ही नहीं रहा है। तो मालूम है नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा लगता है, ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा लगता है। सवेरे में एक बार आए, अभी हम जहाँ पे आए हैं वो कुवैत का सबसे सस्ता मार्केट है, यहाँ पे देखो कितनी भीड़ रहती है, कितनी पब्लिक है यहाँ पे, लूट रहे हैं लोग। और अंकल देखो आज में कुवैत का सबसे सस्ता मार्केट है ये, और ये 1.5 गेड़ी का हटाओ भाई, 1.5 गेड़ी का है, 1.5 गेड़ी 1.5 गेड़ी बोले तो 1.5 गेड़ी बोले तो इंडिया कितना जाएगा,
300 रुपए का है, देख लो बने रहो ब्लॉग में, देखते रहो। पसंद आया भाई साहब? दोस्तों ये कुवैत का सबसे सस्ता मार्केट है, आपको दिखाऊंगा मैं पूरा। 2 KD 1.5 KD 2 KD 1.5 KD सब इधर ये इतना ही रहता है, देखो इधर टंगा हुआ है 1.5 KD 2 KD सब इतना ही रहता है, मैक्सिमम 2 KD आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। पूरा सामान इधर 1.5 KD 2 KD का मिलता है, देखो ये शूज वगैरह इधर मिलता है, कुवैत में सबसे सस्ता आइटम इधर ही मिलता है। ये अभी इधर पूरा शूज का है और उधर कपड़ा का है। वही ये लियो, ट्रेनर ले लिए, चलो आ जाओ। और यहाँ पे खाना बना के खाते हैं तो सब्जी वगैरह ले रहे हैं। ये देखिए मर्ची की तरफ आते, तो अभी हम लोग आए यहाँ पे, सब सब यहाँ पे सब सब कुछ मिलता है यहाँ पे मॉल्स वगैरह में। आया था सब्जी एकदम फ्रेश फ्रेश, पीछे आलू। अबे यार छोटा क्या बात है, कितने रुपए किलो प्याज है यहाँ पे? 1.85 है। और आलू कैसे है? आलू 140 उधर कितना था? 195 तो इंडिया कितना हो जाएगा? 40 रुपए किलो यहाँ पे आलू है और 30 रुपए किलो प्याज है, तो कंपेयर करो यहाँ पे महंगा है इंडिया में। बाकी देखो मॉल्स वगैरह देखो, सब उसमें जाके लेना पड़ेगा भाई। हाँ ओके बने रहिए ब्लॉग। देखिए यहाँ पे चिकन वगैरह सब फ्रिज में रहता है, एकदम फ्रिज में रहता है, कितने दिनों तक का रहता है पता नहीं। और चिकन ऐसा मिलता है, ऐसा ये चिकन है, ये चिकन है, देखिए ये चिकन है, ऐसा सर फट जाएगा इतना टाइट रहता है ये देखो यार, काय नहीं निकल रहा है ये निकला ना। और ये है चिकन रोल, चिकन को पीस के रोल बनाता है, कितना मिलती है दोस्तों? अगर हम यहाँ पे मार्केट में आते तो हमें सबसे पहले ये मिलता है, इसमें देख के हम सब देख लेते हैं रेट, हमें रेट पता चल जाता है और उसके बाद हम खरीदारी कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा इसमें रेट वगैरह सब लिखा होता है। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, हवा बहुत तेज चल रही है, अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो एडजस्ट कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक कर लेना। अगर यहाँ तक देखे हो तो बताओ कमेंट में क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। और तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, बैठे कर खुदा हाफिज़ रखा।